हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मसाला मशरूम की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे आप 30 मिनट से भी कम में बना सकते हैं और ये घर पर इजीली अवेलेबल चीज़ों से बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ मैंने दो मीडियम साइज़ के प्याज को छील कर कट कर लिया है। अब मैं इसे चॉपर में डालकर इसे बारीक चॉप कर लूँगी। अब इसे हम लोग अलग रख लेंगे। यहाँ मैंने लहसुन की 8-10 कलियाँ छील ली हैं और 1 इंच जितना अदरक का टुकड़ा भी छील कर रख लिया है। इनको भी हम लोग एक मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। आप चाहे तो रेडीमेड अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश वाले से बहुत ही अच्छा टेस्ट एंड फ्लेवर आता है। अब मैंने यहाँ एक कढ़ाई में 4 से 5 टेबलस्पून सरसों का तेल गरम किया है। अब इसमें जो प्याज हमने चॉप करके रखा था वो डाल देंगे और लो फ्लेम पर तब तक भूनेंगे जब तक कि प्याज ब्राउन ना हो जाए। इतनी देर हम लोग मशरूम को अच्छे से धोकर उसे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। अब इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून जितना लाल मिर्च, 1/4 टेबलस्पून जितना हल्दी, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जितना जीरा पाउडर डाल देंगे। और इसी के साथ 1 टेबलस्पून जितना गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे और साथ ही डालेंगे 1 कप के बराबर दही। और हमने जो अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था वो भी इसमें हम लोग डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और कम से कम 10 मिनट के लिए इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे 1-2 घंटे के लिए मैरिनेट होने दें। जब तक ये मैरिनेट हो रही है, इतनी देर हम लोग रोटियों के लिए आटा लगा लेंगे। मैंने एक बोल में यहाँ 2 कप आटा लिया है। अब इसमें मैंने 1/2 टीस्पून जितना नमक डाला है। अब नमक को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गुनगुने पानी से हम लोग इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। देखिए, हमारा आटा भी रेडी हो चुका है। इसे भी हम लोग 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए साइड रख देंगे। देखिए, इतनी देर में हमारा प्याज भी भूनकर तैयार हो चुका है। देखिए इसमें कितना अच्छा ब्राउन कलर आ चुका है। अब इसमें हम लोग 1 टीस्पून जितना जीरा डाल देंगे। जब जीरा चटक जाए तब हमने जो मैरिनेट करके मशरूम रखा था वो भी इसमें अब हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। फ्रेंड्स, इस टाइम फ्लेम लो टू मीडियम पर ही रहेगी। अब मशरूम को अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे प्याज के अंदर। अब जिस बर्तन में हमने मशरूम मैरिनेट किया था उसी में पानी डालकर अच्छे से उसे धो लेंगे और इस मशरूम में डाल देंगे ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। जब इसमें उबाल आ जाए इसे ढककर हम लोग 8 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। जितनी देर इसे कुक होने में लगेगा उतनी देर में हम लोग अपने पराठे बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जितनी देर हमने पराठे बनाए उतनी देर में मशरूम भी कुक हो चुके हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह दिख रही है ना ये सब्जी। लास्ट में इसमें कटे हुए धनिया पत्ते डालें। इसे गर्मा गर्म पराठे, रोटी, कुलचा, नान या फिर चावल के साथ सर्व करें। फ्रेंड्स, मैंने ये रेसिपी रोटियों के साथ 30 मिनट के अंदर बनाकर तैयार की थी। आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब एंड लाइक बटन और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करें। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपको अच्छी अच्छी रेसिपी दिखा सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।